काला धन समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज परिणाम मिलने की वजह, जो परिणाम मिलने चाहिए थे वो परिणाम भी आज भी नहीं मिल पाए हैं। जहां नोटबंदी से उभर नहीं पाए थे, कारोबार ठप हो गया था, लोगों की नौकरी रोजगार छिन गए, उसके बाद जीएसटी जैसा मामला जो सामने आया है, जो परेशानियां पैदा की हैं, इस पे पूरा का पूरा व्यापार रुक गया है, कारोबार थम गया है। जिन लोगों के टर्नओवर ज्यादा होते थे या छोटा मोटा कारोबार करते थे, उनका भी कारोबार रुक गया। नोटबंदी और जीएसटी ने, दोनों ने देश के जीडीपी को कम करने का काम किया है। सरकार कोई भी दावा करे, लेकिन अभी तक जो टेक्निकल पार्ट है उसमें कोई सुधार नहीं ला पाए। जो सरलीकरण की बात हुई थी वो भी सुधार नहीं ला पाए, लेकिन जहां जहां चुनाव है वहां कुछ राहत व्यापारियों को दिए, लेकिन उससे भी कुछ बात बनती नहीं है। जीएसटी से परेशान केवल हमारे साथ जुड़े हुए लोग नहीं हैं, बल्कि आम लोग भी उससे प्रभावित हुए हैं और व्यापार पूरा का पूरा देश का बर्बाद हो गया। मुझे खुशी है इस बात की कि मनीष जायसवाल जी आज हमारे साथ जुटे हैं। इसके आने से हमारी पार्टी को और मजबूती बस्ती में मिलेगी। वहीं श्रीमती मिथिलेश पाल जी पूर्व लोक दल विधायक रही हैं मुजफ्फरनगर से, हमें खुशी है कि उनके आने से हमारी पार्टी मुजफ्फरनगर में भी आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ अशोक कुमार बिंद, भानु प्रसाद बिंद, श्रीमती वंदना राकेश शुक्ला, राजीव शर्मा जी और वहीं सैनी समाज के बड़े नेता, अभी जब मैं मेरठ गया था तो मैं जानबूझ करके उनके घर गया था, और इसलिए घर गया था कि हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। और हम अपने तमाम समाजवादी साथियों से भी कहेंगे कि जब तक आप उन लोगों के बीच बैठेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें नहीं जोड़ पाएंगे। इसे लगातार जब तक चुनाव है नहीं हो जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, देश के चुनाव, तब तक हम समाजवादी लोग लोगों के घर जाएंगे, उन्हें मनाएंगे, समझाएंगे और अपनी पार्टी से जुड़ने का काम करेंगे। और उसी रास्ते पर आज मुझे खुशी है बाकी के तारा चंद शास्त्री जी जो पूर्व में मंत्री रहे, राज्य महासचिव भी रहे, वो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मैं इनके तमाम साथियों का अपने दल में स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ और आगरा के लोगों को विशेष धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि बड़ी संख्या में मधुसूदन शर्मा जी के साथ कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए हैं। ये हमारा हॉल छोटा पड़ गया। जितने साथी आगरा से आए हैं, ये हमारा हॉल छोटा पड़ गया है, इससे ज्यादा लोग हमें सड़कों पर और बाहर दिखाई दे रहे हैं। और आसान इसलिए भी हो गया कि सड़क बहुत अच्छी है। अब आगरा वालों पे गाड़ी की कमी है नहीं, और ये अच्छा हुआ आगरा वाले यहां आ गए, नहीं तो कहीं आपको भी ताजमहल के वेस्ट गेट पर झाड़ू लगाना पड़ जाता। और ये देखो समय कैसा बदलता है। जो लोग ताजमहल को देखते ही जाने क्या क्या कहने लगते थे, ताजमहल को अपनी संस्कृति का हिस्सा नहीं मानते थे, अपनी हेरिटेज नहीं मानते थे, ठीक बात है, उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन देखो भगवान राम ने क्या कर दिखाया कि आज वेस्ट गेट पर ही स्वच्छता का अभियान चलाना पड़ गया ताजमहल के वेस्ट गेट पर। हम तो भगवान राम का धन्यवाद देंगे, ये हमारा कमाल नहीं है, नागरा वालों का कमाल है। हम तो भगवान राम का धन्यवाद देंगे और मधुसूदन शर्मा जी का धन्यवाद खास कर देंगे, क्योंकि इनके आने से ही कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है कि वेस्ट गेट पे भी अब झाड़ू लग रहा है। हो सकता है झाड़ू खत्म हो गया हो। ये बड़ी समस्या है कूड़े वाली, और कूड़ा खत्म करने का चुनाव भी आ गया है।
ये जो चुनाव है अभी आने वाले समय में, ये कूड़ा खत्म करने वाला ही है, क्योंकि जो चुने जाएंगे उनकी जिम्मेदारी होगी कि नाली साफ हो और कूड़ा भी इस शहर में न दिखाई दे। मैं ये कह सकता हूं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि तारीख अभी नहीं आई है, अगर कूड़े की सफाई कोई कर सकता है और कूड़े को कोई ठीक से समझता है तो वो है समाजवादी पार्टी। कूड़े को कहां फेंकना है, कूड़े को कहां रखा जाए, शायद हम समाजवादियों से बेहतर कोई नहीं समझता होगा। इसलिए तमाम उत्तर प्रदेश की जनता से हम कहेंगे कि इस कूड़े हटाने के लिए, कूड़े को सफाई में बदलने के लिए समाजवादियों की भी मदद करें। हमने तो ये कहा है कि आगरा अंतर्राष्ट्रीय शहर है, कारोबार बड़े पैमाने पर होता है, लोग बड़े पैमाने पर आते हैं, दुनिया के दूसरे हिस्से से लोग आते हैं, और कभी कभी बातचीत में हमें जानकारी मिली है कि लोग अपने को वादा करते हैं, अपने साथी को वादा करते हैं कि अगर हमारा आगे सफर होगा साथ साथ तो फलाने वर्ष में हम जाकर के ताजमहल को देखेंगे, उस कुर्सी पर बैठ करके तस्वीर खिंचाएंगे। झाड़ू तो लग गई है, हमें इंतजार तस्वीर का है। हमारी तो बचपन की भी तस्वीर है उसके सामने, हमारे जितने लोग हैं सबकी तस्वीर होगी ताजमहल के सामने, और जो ताजमहल देखने जाता है उसकी ख्वाहिश होती है कि ताजमहल के सामने उसकी तस्वीर जरूर खिंच जाए। मैंने इसीलिए कहा कि पत्रकार साथी आप समझ नहीं पाए बात, मैंने कहा था कि कुछ लोग अपने साथी को वादा करते हैं कि फलाने फलाने साल में जब हम लोग साथ होंगे तब जाकर के ताजमहल के साथ फोटो खिंचवाएंगे। इसलिए ताजमहल के आसपास जितना काम समाजवादियों ने किया है उतना कोई नहीं कर सकता। ये जो पानी पर रबर डैम की बनने की बात, बताओ लखनऊ का रबर डैम रोक दिया इन्होंने, गोमती पे सबसे पहला देश का